हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी का टेस्ट लेकर आ रहे हैं जो कि शुरू होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करते हैं, हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट। और दोस्तों, एक बात किए, हमने अभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे एक मैराथन वीडियो डाला हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें। अगर आप उसे पूरा देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स, कम से कम 3 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे। तो आप उसे देख लें, कुल 1800 वर्ड्स उसमें हमने डाले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि किरण के दो पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। किरण के दो पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? ऑप्शन है रश्मि, म्यूक, त्रियामा या तमिर्स, चिकूर, सेमुसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? किरण के दो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में, आपको बहुत ही अच्छे से इन पर्यायवाची शब्दों को भी कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा रश्मि और म्यूक। रश्मि और म्यूक। दोस्तों, साथ ही साथ आप कमेंट करते चलें, कमेंट अगर आप करेंगे तो ही मज़ा भी आएगा आपको भी और हमें भी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सौ शब्द का उच्चारण कहाँ से है। सौ का उच्चारण कहाँ से है? ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत और मूर्धा। कंठ, तालु, दंत और मूर्धा। सौ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ए बी सी डी। ए बी सी डी में कहाँ से इसका उच्चारण स्थान है? तो अगर हम इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, जल्दी से बताएं, तो इसका सही उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। सौ 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 क्या हो जाएगा? तालु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। वक्र शब्द का सही विलोम क्या है? वक्र शब्द का सही विलोम क्या है? रिज्जु, टेढ़ा, तिरछा या क्षुद्र? वक्र शब्द का सही विलोम आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन सब से क्वेश्चन आने वाला है। तो इन सब को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपके काफ़ी मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो अगर हम वक्र के विलोम शब्द की बात करें तो रिज्जु इसका विलोम शब्द होता है। वक्र का विलोम शब्द रिज्जु होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज शब्द का सही अर्थ क्या है? द्विज शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके सामने ब्राह्मण, सूर्य और स्त्री, पक्षी, दांत और चंद्रमा, पक्षी, सारंग और पृथ्वी, ब्राह्मण, कमल और देवता। दोस्तों, एक आता है कि एक ही जैसे दिखने वाले शब्द लेकिन उनके अर्थ अलग अलग, यानी कि दिखने में और एक ही जैसे दिखते हैं अर्थ लेकिन उनके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। जैसे कि एक बार हमने आपके सामने कनक का डाला हुआ था, कनक का, जिसका क्या अर्थ होता है? कनक का अर्थ होता है धतूरा, कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ होता है गेहूं। तो इतने प्रकार के यहाँ पे आपको देखे गए थे, एक कनक के इतने अर्थ। तो यहाँ पे द्विज के भी तीन तीन अर्थ आपको बताने हैं। क्या होगा सही आंसर? ए बी सी डी में सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों, जितने भी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं सब के सब कमेंट करते रहें और बताएं क्या होगा द्विज का सही अर्थ। तो द्विज का सही अर्थ हो जाएगा पक्षी, दांत और चंद्रमा। द्विज का सही अर्थ होगा पक्षी, दांत और चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है वैयाकरण, आचार्य, व्याकरणीय या वैज्ञानिक। क्या होगा? जो मेरा वो वीडियो, जिसने भी वो मेरा वीडियो देखा होगा अनेक शब्दों के एक शब्द वाला, वो इसका आंसर जरूर ही कर पाएगा। तो जल्दी से आप बताएं ए बी सी डी में से सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैयाकरण, वैयाकरण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का चिन्ह, यहाँ पे एक डॉट और नीचे कॉमा दिया हुआ है, यह किस प्रकार का चिन्ह है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम या विस्मयादि बोधक। क्या होगा सही आंसर आप जल्दी से बताएं।
ए पूर्ण विराम, बी अल्प विराम, सी अर्ध विराम और डी विस्मयादि बोधक। इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्ध विराम, अर्ध विराम। यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। यहाँ पे पूर्ण विराम की बात करें तो जो डंडा होता है एक सीधी सी डंडा, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। अगर अल्प विराम की बात की जाए तो जो कौमा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसे अल्प विराम कहते हैं। और ये वाला यानी कि एक ऊपर डॉट और नीचे कौमा, इसे अर्ध विराम कहा जाता है। और ऊपर डंडा नीचे अंडा, ये वाला जो है विस्मयादि बोधक कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये चिन्ह होते हैं, इसे जरूर याद कर ले, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो विपरीत शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दो विपरीत चिन्हों की, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सुख और इसके बाद लिखूंगा मैं दुख, तो इसके बीच में मैं एक एरो देता हूँ, ये वाला एक एरो, ये वाला एक मैं हाइफन देता हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका हिंदी में क्या नाम है? दो विपरीत शब्दों के बीच, दिन रात, माता पिता, आना जाना, इस तरह से जो वर्ड्स होता है तो बीच में एक डैश लगाया जाता है, एक हाइफन लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? अल्प विराम कहते हैं, योजक कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, के क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ए बी सी डी में क्या कहेंगे इसे? तो इसे हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं योजक, इसे क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। अल्प विराम और विस्मयादि बोधक के बारे में आपने तो पढ़ा ही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहन राम को पुस्तक देता है, मोहन राम को पुस्तक देता है में कौन सा कारक है? मैंने आपको बताया है को, यहाँ पर को शब्द को हमें लेना है, किसे लेना है? को शब्द को। तो इसमें को कारक है, कौन सा कारक है ये आपको बताना है। कारक जो जुड़ा हुआ रहता है उसका चिन्ह हम पहचानते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपादान से, जिसमें अलग होने का मतलब आता है अपादान से यानी कि अलग होने का भेद यहाँ पे आता है। तो ये अलग अलग आपको याद जरूर रख लेना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन सा कारक है, तो मैंने अभी आपको राइम पढ़ के बताया, कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म, कर्म कारक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। इस वाक्य में धार्मिक क्या है, धार्मिक शब्द क्या है, धार्मिक शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? धार्मिक शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें अपलोड किए गए हैं, इसमें डाले गए हैं, ताकि आप सब इसका आनंद उठा सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो ला ही सकें। दोस्तों जल्द ही हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाले हैं, जिस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, आपको कोई भी परेशानी अगर होती है तो आप उस पे शेयर हमें कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो धार्मिक शब्द जो है वो है विशेषण। धार्मिक शब्द क्या है ये? विशेषण का काम होता है विशेषता बताना, किसका? किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम का। तो ये धार्मिक जो है, किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की। तो ये धार्मिक हो गया विशेषण। वहीं अगर हम बहुत की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, बहुत क्या होगा, बहुत क्या होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह गाना नहीं गाता, वह गाना नहीं गाता में अव्यय शब्द है। क्या है अव्यय शब्द? वह गाना नहीं गाता, वह गाना नहीं गाता में अव्यय क्या है? वह गाना नहीं गाता में अव्यय क्या है? वह गाना नहीं गाता, यही आपको चार शब्द भी दिए हुए हैं, इसमें अव्यय क्या है, अव्यय क्या है ये आप मुझे बताएंगे, अव्यय क्या है? तो अव्यय क्या है यहाँ पे जल्दी से बताएं, ए बी सी डी करके जो भी आपका आंसर है आप जल्दी से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अव्यय शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य है जो हमने अंग्रेजी में हम वॉइस पढ़ते हैं, तो ये वॉइस के ही बारे में है। एक आपको कर्मवाच्य होता है, एक आपको भाववाच्य होता है। तो क्या होगा यहाँ पे जल्दी से बताएं, अब चला जाए रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, इसमें भाववाच्य कौन सा है? अब चला जाए रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, भाववाच्य क्या है? भाववाच्य क्या
क्या है, जल्दी से बताएं, ए बी सी डी करके जो भी आपका आंसर है, जो भी आपको आंसर उचित जान पड़ता है आप बताएं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आप दिल खोल के कमेंट तो कर ही सकते हैं, कम से कम यहाँ तो मार्क्स कट नहीं रहे हैं और एग्जाम में भी नहीं कटना है। तो बताइए कि क्या है भाववाच यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे भाववाच है अब चला जाए, अब चला जाए जो है भाववाच्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। ऑप्शन है घोटक, घी, चाय और नंगा। घोटक, घी, चाय और नंगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज से प्रश्न बन जाते हैं। ये भाषा की उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द हम निकालते हैं उसको कहा जाता है। तो क्या है इसमें तत्सम, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा घोटक, घोटक जो है ये तत्सम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दीवा और दीव का सही अर्थ क्या है, दीवा और दीव का सही अर्थ क्या है। समय और प्रकाश, समय और दीपक, दीपक और प्रकाश, या प्रकाश और समय। क्या होगा सही आंसर, दीवा और दीव का, दीवा और दीव का सही अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए बी सी या फिर डी करके आप आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हम दीवा के अर्थ की बात करें तो दीवा का अर्थ होता है, दीवा का अर्थ होता है समय, और दीव का अर्थ होता है दीपक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, समय और दीपक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप में है, ये कौन सा सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे सर्वनाम होते हैं जो पुरुषवाचक होते हैं, उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहाँ पे उत्तम को 2 बार ले लिया गया है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से ये मुझे, मुझे कौन सा पुरुष है, मुझे जो है ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप जल्दी से बताएं, ए बी सी या फिर डी, क्या हो जाएगा सही आंसर। आप इसे कर लें अन्य, कर सकते हैं आप इसे अन्य, आप इसे क्या कर लें अन्य कर लें, तो सेम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बोलता है वो होता है उत्तम पुरुष, जो बोलता है वो होता है उत्तम पुरुष, जो सुनता है वो होता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है अन्य पुरुष। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। समास के ऊपर हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, एक नहीं दो, उसको 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ है, आप उसे देख लें। उसमें अगर आप देख पाते हैं, उसमें बहुत सारे शब्दों को भी हमने किया। पहले पार्ट में तो हमने आपको बताया है कि अलग अलग समास, उसके भेद, और दूसरे में उन सभी भेद से रिलेटेड बहुत सारे शब्द की, और उसे उसका समास विग्रह करके भी बताया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे हिंदी ग्रामर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, हिंदी ग्रामर, और वहाँ पे आप विजिट करें, आपको जरूर ही फायदा होगा इससे। तो अगर यथाशक्ति की बात करें तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्यय भाव, कर्मधारय और द्विगु, तो यहाँ पे है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिरिधर में कौन सा समास है, गिरिधर में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्यय भाव, कर्मधारय या फिर द्विगु, क्या होगा सही आंसर, जल्दी जल्दी बताएं। ए बी सी डी, जल्दी से आपको बताना है कि गिरिधर में कौन सा समास है। तो इसे जब हम तोड़ते हैं तो गिरी को धारण करने वाला, गिरी यानी कि पर्वत, गिरी को धारण करने वाला, तो को जो है क्या हो गया, को है यहाँ पे तत्पुरुष, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी कर्म तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भी भेद मैंने आपको बताए हैं, तो पहचानने का तरीका भी आपको बताया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगम और अगम का सही अर्थ क्या है, आगम और अगम का सही अर्थ क्या है। शस्त्र और ना जाने योग्य, हिस्सा और ना जाने योग्य, फर्क और हिस्सा, हिस्सा और फर्क, क्या होगा सही आंसर आगम और अगम का। तो जल्दी जल्दी आप बताएं क्या होगा आगम और अगम का सही अर्थ। तो यहाँ पे अगर हम सही अर्थ की बात करें, सही अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो अगम का अर्थ होता है ऐसा जगह जहाँ जाया ना जा सके, नहीं जा सकते हैं जहाँ, यानी कि ना जाने योग्य। और
आगम का क्या अर्थ होता है? आगम का होता है शास्त्र, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? सभा, सदन, घोषणा और झील। सभा, सदन, घोषणा और झील, पुल्लिंग इसमें कौन सा है? जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इन सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए तैयार रहना है एग्जाम के लिए। कोई भी क्वेश्चन आए आपको उससे अटैक करने के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सदन। सदन जो है पुलिंग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण क्या है? गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है। गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है महर्षि, पावक, अभ्युदय और मत्तैक्य। गुण संधि कौन है इसमें से? महर्षि, पावक, संधि के मैंने आपको अलग अलग भेद बताए हुए हैं, तो उसी में से आपको गुण संधि यहाँ पे ढूंढना है। क्या होगा? महर्षि, पावक, अभ्युदय, मत्तैक्य। सही आंसर बताएं जल्दी जल्दी कि गुण संधि का उदाहरण क्या है यहाँ पे। ए, बी, सी, डी में आप आंसर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करें दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महर्षि। महर्षि महा जो ऋषि, महर्षि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग और प्रत्यय पे भी प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो उपसर्ग नहीं है, क्या नहीं है? बहादुर, बदनाम, बेवकूफ और लावारिस। क्या होगा सही आंसर? फटाफट फटाफट आपको आंसर करना है, तो जल्दी से बता दीजिए कि उपसर्ग किसमें नहीं है। उपसर्ग किसमें नहीं है, तो क्या है, किसमें है नहीं उपसर्ग? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहादुर में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बहादुर में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए 21st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सुस्वा स्व या स? सुस्वा स्व या स? कौन सा अभिमान, स्वाभिमान में उपसर्ग लगा हुआ है? ए, बी, सी, डी में आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर कर दें। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको बताया है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपको पढ़ाई कर लेनी है। थोड़ा भी आप पढ़ लेंगे तो आपको फायदा ही करेगा। तो स्वाभिमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पे होगा स्व। स्व जोर अभिमान, स्वाभिमान होता है। स्व जोर अभिमान, स्वाभिमान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रीमा, मा, ईमा या मधु? रीमा, मा, ईमा या मधु? क्या होगा सही आंसर? आप बताएंगे जल्दी जल्दी, सही आंसर बताइए। मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा लगा? उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पे आप जल्दी से बताएं। रीमा, मा, ईमा और मधु। तो मधुर जोर ईमा, मधुरिमा होता है, मधुर जोर ईमा, मधुरिमा। तो ईमा यहाँ पे प्रत्यय है, ईमा यहाँ पे प्रत्यय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का मध्यकाल युग किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का मध्यकाल युग किसे कहा जाता है? ये न्यू और सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपको बन गए तो एग्जाम में आप डरे नहीं, आप तैयार रहें। तो अगर मैं आपको आंसर पता है तो आप जल्दी से करें, मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1400 से 1800 तक, 1400 से 1800 तक हिंदी काल, हिंदी भाषा का मध्यकाल युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मगधी, अर्धमगधी, अपभ्रंश पैसाची या सौर सेनी? सही आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो बताएं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। सौर सेनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौर सेनी से। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है? किस वाक्य में भाववाच्य है? ऑप्शन है, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है और शीला से जाया खाया नहीं जाता। तो ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट, तो जल्दी से आप इसका आंसर कर दें। 25 का आंसर क्या होगा? अगर आपको पिछला आंसर याद है तो फटाक से आप बता दें, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये 25 क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, आप जरूर बताएं। आपको एग्जाम में इसमें बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। तो हिंदी का टेस्ट समाप्त हुआ, आपका कितना नंबर आया ये हमें जरूर बताएं कमेंट करके। कैसे बताना है? कमेंट करके। साथ साथ आप मेरा
फेसबुक पे भी हमें हमसे जुड़ सकते हैं, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको फेसबुक पे भी हमारा पेज मिल जाएगा। वहाँ पे जाएं, फेसबुक पेज को लाइक कर दें और यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल वाली घंटी को दबा दें, बेल वाली घंटी को दबा दें, तभी आपको हमारे द्वारा वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी टेस्ट दे सकें और खुद को एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे लेना चाहूँगा मैं अलविदा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।